हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रियल टाइम सिस्टम विद KBS। हम क्यों इंटीग्रेट करते हैं रियल टाइम सिस्टम को? पहले तो रियल टाइम सिस्टम समझो क्या है, कि जो ऑन पॉइंट रिस्पांस देती है जो चीज़। फॉर एग्जांपल कार है, उसके एयरबैग्स जो है वो खुल जाते हैं जब भी उसे पता चलता है कि हाँ इतने डिस्टेंस पे कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई। अब KBS क्या करता है? KBS तुम्हारा जो है वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। क्लियर है? जिस प्रॉब्लम को ह्यूमन एक्सपर्टीज चाहिए होती है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन वुड बी वेरी गुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एक तो लोड यूजर पे कम होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये तुम्हारे पास एक डायग्राम जो है वो प्रोवाइड की कर रखी है इन्होंने। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम की। अब रियल टाइम सिस्टम विद KBS, अब रियल टाइम सिस्टम में रॉ डेटा, प्राइमरी डेटा प्रोसेसिंग, ये प्राइमरी प्रोसेसिंग में जाता है। ठीक है, देन मेयर डेटा में आता है, देन इसमें एक्चुएटर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ये किसके साथ कंबाइन करते हैं? नॉलेज बेस के साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो, जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं ना, इसमें डेटा फाइल्स एंड द नॉलेज बेस विच आर डिनोटेड बाय द बॉक्सेस। ठीक है, अब ये क्या है, ये डेटा फाइल्स है और नॉलेज बेस है। ठीक है, एंड जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो डैश स्क्वेयर्स हैं, ये क्या है, डेटा और नॉलेज मैनेजर प्रोसेसेस। ठीक है, डेटा और नॉलेज मैनेजर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे, वो यहाँ पे होते हैं। क्लियर है? एंड ये पैसिव और एक्टिव एलिमेंट में इंटरैक्शन हो रही है लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब ये देखो, अब ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि क्यों हमें जो है कॉम्बिनेशन करना है रियल टाइम सिस्टम विद KBS। क्यों? टू रिड्यूस द कॉग्निटिव लोड। ठीक है, कॉग्निटिव लोड को डिक्रीज करने के लिए, इसलिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ये एक डायग्राम है जो कि तुम शो कर सकते हो अपने एग्जाम में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे RTS का लाइफ साइकिल। ओके गाइस, सो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।